प्रोग्राम सावी धरती च मैं सुखविंदर कौर तुहाडा सब दा स्वागत करदी हां। इस प्रोग्राम राही जिथे असी तुहानू वख वख सफल किसानां नाल मिलांदे रहिंदे हां ते ओह सफल किसान सांझे करदा है अपने अनुभवां नू ते अपने द्वारा अपनाए गए वख वख तरीकियां नू। उसे लड़ी दे तहत अज असी आए हां पिंड कालरा जिला जलंधर दे एक सफल किसान सरदार हरविंदर सिंह परहार जिन्हां दी 40 किले जमीन है जिस विच ओ वख वख फसलां बीजदे हन। ओ आप एक नौजवान किसान हन ते खेती दीआं तकनीकां नू सीख के अपने खेतां विच लागू करदे हन। ओ उन्हां लोकां लई एक प्रेरणा स्रोत हन जो बाहरले देशां विच खेतीबाड़ी कर रहे हन। इन्हां ने इत्थे रह के ही अपने पिंड विच अपना वधेरा नां खटिया है। आओ अज इन्हां दी सफल कहानी इन्हां दे मूहों सुनीए। मैं हरविंदर सिंह परहार पिंड ते डाकखाना कलरा जिला जलंधर दा रहण वाला हाँ। मैं पिछले काफ़ी समय तो इस खेती दे किते नाल जुड़िया होया। पहला साढ़े बजुर्ग भी खेती करदे सी पर वो खेती जिहड़ी वह खेती नहीं आपां बस टाइम पास दे तौर ते सीगी। जिहड़ी अज दी खेती आ वो थां थां ते यूनिवर्सिटियां नाल सानू डॉक्टर्स जिन्हां तो असी ऑनलाइन कोई भी चीज़ पुछ सकते हैं किसी नस्ल बारे पुछ सकते हैं किसी वैरायटी बारे पुछ सकते हैं जिन्हां नू भी जिहड़ी खेती अज दी खेती वह पहलां वाली खेती नहीं रही। हुण नवीं नवीं जिनसां नवीं नवीं वैरायटियां मार्केट च आ चुकियां हन। अज दे युग दे विच कंप्यूटर दा युग आ जिहड़े कंप्यूटर दे युग दे विच असी घर बैठे ही ऑनलाइन हर वरायटी नू चैक कर सकते हैं देख सकते हैं तो उहदा समा देख सकते हैं भी किन्ने समय च पक्केगी कदों लगेगी। कुछ समा पहला सिर्फ खेती झोने और कणक की हुंदी सीगी पर अज दी डेट दे विच बहुत वधिया वधिया वरायटियां आ चुकियां हन जिवें कि गन्ना है। अगे पहला सिर्फ झोना और कणक ये दो फसलां जां ज़्यादा तों ज़्यादा कोई मक्की बीजदा सी पर अज दी डेट दे विच जो सियाळू मक्की जिसनूं आपां कहिंदे आ सियाळी मक्की दे विच इन्नी वधिया वधिया वरायटियां हन कि वह कणक नाल ज़्यादा कणक नालों भी ज़्यादा फायदेमंद हन ते लाहेवंद हन जिहदे विच मेहनत बहुत घट आउंदी है। सिर्फ अज दी डेट दे विच जो सब तो वड्डी प्रॉब्लम चल रही है वह चल रही है लीवर की कि सानू मौके ते लीवर नहीं मिलती जां बिजाई वेले नहीं मिलती जां सानू कटाई वेले नहीं मिलती उस तो बाद जिहड़ी किसानी आ उस कारण वह फेल हो रही आ। जिहड़ी किसानी किसे टाइम ते बाहरों विदेशी मजदूर जिहड़े आ वह आंदे सीगे पर पता नहीं क्यों वह कुछ समय तो आने बंद हो गए। उस दे नाल जिहड़ी आ जिवें खेती आ वह बहुत ही घाटा सौदा बन जा रही सीगी पर फिर भी साडी सरकार ने इस नूं बन्निया होया है ते असी सरकार अगे भी बेनती करते हैं कि जिन्ने भी फसलां हन उन्हां दा सही मुल जिमीदार नूं मिले। अज दी रेट दे विच मैं एक नवीं वरायटी जिदा गन्ना है गन्ना जिहड़ा बहुत ही लाहेवंद फसल है असी थोड़ी जी इस दे विच एक प्रॉब्लम हैगी लेबर दी पर फिर जे सानूं लेबर मिलती है तो इस दे विच वधिया झाड़ मिले सानूं इस करके जो भी इस दीआं वरायटियां हन वह नवीं नवीं वरायटियां अज दी डेट दे विच यूनिवर्सिटियां तो राफ्ता कायम करके मिल जांदियां हन ते इसका सही झाड़ मिल जाता है पर थोड़ा जी प्रॉब्लम किसी वेले मिलों तो आ जाती है भी जो सानू समय सिर परची नहीं मिलती समय सिर परची नहीं मिलती जां सानू समय सिर लेबर नहीं मिलती। इस करके मैं सरकार अगे भी अपील करदा हाँ कि किसानां नूं समय सिर परचियां मुहैया करावे जिहदे नाल कि जो सरकार है जो किसान है
वो अपनी सही फसल की कटाई कर सके अते उसनू सही तरीके नाल मंडी दे विच भेज के उसका लहेदान लहा ले सके। अज वो पहला वाला समा नहीं रहा कि असी बस एक बजुर्गों को कणक सुनी दी होंदी सी, एक देसी कणक आ जी ते एक मलेशियन कणक आ, दो तीन तरह दीयां वरायटियां उस टाइम ते हुंदियां सी, पर अज दी डेट दे विच बहुत तरह दीयां वरायटियां आ गईयां। किसान वीरां नूं सब तो पहला सरकार वल्लों जो मेले लगाए जांदे हन जां सरकार वल्लों यूनिवर्सिटियां दे विच नवीं नवीं तकनीकां दस्सियां जांदियां हन, ते मेरा किसान वीरां नूं पुरजोर अपील आ कि उन्हां किसान उन्हां मेलियां नूं जरूर जाके देखण, ज्वाइन करन कि नवीं नवीं मशीनरीज आ रही, नवीं नवीं वरायटियां आ रही जो कि साडी किसानी नूं बहुत ही सफल बनाउंदियां। जिथे जिस कई कई ऐस अज दी डेट दे विच कई इदां दी मशीनरी आ चुकी जिथे सानूं लेबर दी वी घट तों घट जरूरत पैंदी है। अज दी किसानी दे विच लोक कई झोना जां कुछ कणक नूं छड्ड के अजकल नवी नवी तरह दी बहुत ही वरायटियां जिस तरह की गन्ना है, मक्की आ, इस तरह दी नवी सोयाबीन है जिस दे विच घट लागत और जिस दे नाल घट लागत आउंदी है अते मुनाफा ज़्यादा हुंदा। इस करके मैं तां किसान वीरां नूं यही कहांगा कि वो सारे ही आपां नवी नवी तकरीबां यूनिवर्सिटी नाल राबता कायम करके जां अज दी डेट दे विच थां थां ते ऑनलाइन सिस्टम बने हुए हैं कि आपां जदों भी टोल फ्री नंबर हैगे आ कि आपां उत्थे आपां अपने खेत दे विच बैठे हां उत्थे असीं किसे फसल नूं देखदे हां कि इहनूं बीमारी लगी होआ जां इहनूं कोई खाद दी जरूरत आ जां इहनूं कोई मिट्टी चैकअप दी लोड़ है, वो आपां उत्थे बैठ के ऑनलाइन जिहड़े टोल फ्री सेंटर बने हुए हैं आपां जदों मर्जी, ये जरूरी नहीं हैगा कि वो तुहाडी उस वेले कॉल रिसेप्ट करन पर थानू वापस राबता जरूर थाना कायम करनगे। उन्हें विच की आ कई तरीके यह जिहे भी हैं कि इंटरनेट राही तुसी उस कंपनी नू जां उस यूनिवर्सिटी नू जाके राबता कायम कर सकते हैं कि वो सानू हर तरह की जिहड़ी आ सहूलत मुहैया करा दे। मैं अगे नौजवान वीरां नू भी यह बेनती करांगा कि वो पढ़ लिख के कई बार धक्के खांदे आ जी कदी किसी ऑफिस दे विच कदी किसी ऑफिस दे विच, मैं बेनती करांगा कि हर एक नौजवान नूं कोशिश करनी चाहिए जे वह खुद काम कर सकता जां करवा सकता है तो वह खेती के लाहेवंद धंधे वल नूं आवे कि वह अपनी जिहड़ी आ सोच नूं ऑफिस अपने दफ्तरां तक ही ना सीमित रखे, जबकि वह जे अपनी काम करेगा अपनी खेती होवेगी तो जरूरी नहीं हैगा कि इस तरह सरकार ने एक नवीं नवी जो दूजियां तैयार कीतियां हुई स्कीमां तैयार कीतियां हुई जिस दे विच डेयरी फार्म है, मच्छी पालन है, मुर्गी पालन है ते जो कि बहुत घट लागत दे विच ते सरकार वलों 25-30% तक भी उस दे विच सबसिडी भी दित्ती जांदी है, पर मैं ये भी कहांगा जरूर कहांगा कि उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए उस तो बाद ही उस धंधे वल नूं रुख किया जाए तो जिस दे विच कि बिल्कुल घट जगह चाहीदी हुंदी है एक जां मच्छी पालन आ उसनों छोटा जिहा तालाब चाहिए आ उसकी, पर एक जरूरी जिहड़ी गल है कि वह सानू मंडीकरण जो की आ वह सानू आप देखना है कि यह नहीं कि किसी नूं फोन ते रेट पुछ लिया तो आपां उत्थे माल भेज दिता, यह नहीं कि खुद जाके उसनों चैक करो खुद नूं जां उहनूं फोन ते जां किसी तरीके नाल भी 3-4 जगह तो उहदा रेट जिहड़ा आ उह कंपैरिजन करो कि जिथे थानू उस रेट ते थानू लगे कि आह रेट जिहड़ा मैनूं इस वेले मेरी जेंट्स नूं वधिया है उन्हों उसे उत्थे ही मंडीकरण करवाया जाए। तो जिस तरह की पोल्ट्री फार्म की आप थोड़ी छोटी तो छोटी जगह दे विच भी आप थोड़े समय च और छोटी तो छोटी जगह दे विच भी तैयार जो ब्रॉलर है उसनों मतलब घट तो घट समा जिहड़ा वो 2.5-3 महीने दे विच साडा जिहड़ा ब्रॉलर है तैयार हो जाता है कि जानू सानू वो साडे कोले
ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3-4-5 ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖੁਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਖੇਤ ਪੈਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ 5 ਖੇਤ ਪੈਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ੋਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।